नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एन जी एस में। अच्छा, साथ ही गणित लगा रहे हैं दोस्तों हम। प्रश्नावली संख्या 5.1 का 7वां प्रश्न, एनसीईआरटी किताब है ये। कह रहे, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों, कैसे कोण दोस्तों संपूरक, अगर दोनों कोण संपूरक। क्या होता है दोस्तों, दो कोण है, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसी को कहा जाता है दोस्तों संपूरक, यानी दो कोण संपूरक। कौन से दो कोण? ये एक्स और वाई। यहां पे कह रहा है यदि दोनों कोण न्यून कोण हो। दोस्तों ये जो होता है आप जानते हैं, ये दोस्तों होता है 90 डिग्री करीब। इस तरीके से हम 90 डिग्री को दिखाते हैं, 90 डिग्री दोस्तों, कि 90 डिग्री होता है, इसको कहते हैं हम लोग समकोण। और दोस्तों जब इससे अधिक हो जाता है, यानी कि 90 से अधिक, तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, और अगर 90 से कम रहता है तो दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग न्यून कोण। ठीक है दोस्तों, 90 से कम, 90 को सम कोण, 90 से अधिक अधिक कोण, सीधा सम कोण, अधिक से अधिक कोण। न्यून का मतलब दोस्तों होता है कम, यानी 90 से कम का कोण। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले ये तीसरा वाला देखते हैं। कह रहा है दोनों कोण समकोण हो। दोनों कोण समकोण यानी मत दोस्तों क्या हो गया, ये एक्स भी 90 डिग्री और वाई भी 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, हाँ ऐसा तो हो सकता है, 90 90 180 डिग्री। इसके बाद दोस्तों यहां दूसरे वाले में कह रहा है दोनों ही अधिक कोण हो। अधिक कोण यानी दोस्तों 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा कितना, मान लीजिए मैं 90.1 करता हूं, दोनों ही 90.1 करता हूं, तो दोस्तों ये तो 180 से ज्यादा हो गया ना। एक तो 180.2 हो गया, तो दोस्तों अब ये संपूरक नहीं रहा, अब ये ज्यादा हो गया 180 डिग्री से, अब ये संपूरक नहीं रहा, संपूरक नहीं रहा, यानी यानी दोस्तों दोनों कोण अधिक कोण नहीं हो सकते। यदि दो कोण संपूरक होंगे तो दोनों ही कोण, ये दोनों ही अधिक कोण है ना, दोनों ही अधिक नहीं होंगे दोस्तों। होंगे क्या, मान लीजिए अगर एक अधिक कोण हुआ तो दूसरा दोस्तों कम हो जाएगा, 89.9 हो जाएगा, ताकि ये 180 डिग्री बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है, अधिक कोण नहीं हो सकते, दोनों के दोनों नहीं हो सकते, एक तो हो सकता है। फिर देखते हैं दोस्तों दोनों के दोनों न्यून कोण हो सकते हैं क्या। दोनों कोणों दोस्तों न्यून कोण भी नहीं हो सकते, जैसे आप देखेंगे अगर, तो मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा कम करता हूं, दोनों ही कोण दोस्तों मैं 89.9 और 89.9 ले रहा हूं, कितना हो जाएगा, 9 और 18 के 8, 1 हासिल लगा, 18 एक 19, ये दोस्तों ये 180 डिग्री से कम है दोस्तों, इसलिए ये संपूरक नहीं रहा, ये भी संपूरक नहीं रहा, इसलिए पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसी को मैं आपको सॉफ्टवेयर पे करके दिखा रहा हूं, यानी पॉसिबल कब है दोस्तों संपूरक,
जब एक अधिक कोण हो और एक न्यून कोण हो। ये देखिए सॉफ्टवेयर में दोस्तों, दोनों के दोनों दोस्तों समकोण हैं, तो हमारा संपूरक हो रहा है, 90 और 90 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। अब दोस्तों देखिए, मैं लाल वाले कोण को बढ़ा रहा हूं, अब ये अधिक कोण हो गया, ये दोस्तों अधिक कोण हो चुका है। अब ये देखिए 100 डिग्री अधिक कोण है, 80 डिग्री दोस्तों न्यून कोण है। एक अधिक और एक न्यून कोण जोड़ने पे दोस्तों संपूरक होता है, ठीक है, परंतु दोनों के दोनों न्यून भी नहीं हो सकते, या तो दोनों समकोण हो या एक अधिक और एक न्यून हो, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए मैं हरे वाले को दोस्तों बढ़ा रहा हूं, मैंने हरे वाले को बढ़ाया है, तो लाल वाला न्यून कोण हो गया, एक अधिक होगा और एक न्यून कोण होगा संपूरक होने के लिए, है ना दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, एक ही लाइन में आ गए तो 180 डिग्री, यही है ना संपूरक, यही संपूरक होता है ना दोस्तों, सीधी रेखा जो है वो 180 डिग्री बनाती है। और दोस्तों एक पूरा गोल चक्कर कितना बनाता है, एक घड़ी पूरी पूरा घूम जाएगी घड़ी तो कितना बनाएगी, 360 डिग्री दोस्तों, 360 डिग्री। थोड़ा सा ये दोस्तों 360 डिग्री, एक पूरा गोल चक्कर जो होता है 360 डिग्री का होता है। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।